हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आपने बहुत सारी ऐसी बीएस को देखा होगा जहां पे एनिमल्स को या तो उनके नेम्स में या फिर मैस्कॉट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे कि शेर को, मंकीज, डॉग्स या फिर एलिफेंट्स को। और वो दिन भी दूर नहीं जब बचे खुचे एनिमल्स को भी बियर बॉटल्स के ऊपर उतार दिया जाएगा। और सोचिए जरा, वो दिन कैसा लगेगा अगर आप बियर शॉप में जाते हैं तो वहां आपको कैसा लगेगा कि सभी जानवरों के नाम की आपको बियर्स मिलेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में एक नई बियर आई है जिसका नाम है लंगूर। जी हाँ, आज हम टेस्ट करेंगे लंगूर को, है? लंगूर को नहीं, लंगूर बियर को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लंगूर बियर आती है एनवी ग्रुप की ओर से, और ये वही ग्रुप है जिनकी ओर से डिस्कवरी विस्की, रॉयल एनवी विस्की और इंडिया की फर्स्ट प्रीमियम वोडका जो कि स्मोक वोडका है, ये सभी आती हैं। यानी कि कंपनी का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या पता ये बियर भी उतनी ही प्रीमियम हो जितनी कि इनकी स्मोक वोडका है। ये एक प्रीमियम कैटेगरी की बियर है। और अगर इसकी बॉटल शेप की बात करें तो देखने में काफ़ी मस्कुलर बॉडी शेप का यहाँ पे यूज किया गया है। बट इसका नेम लंगूर क्यों रखा गया, कोई और क्यों नहीं रखा गया, इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, अगर आपको मालूम है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है इसका नाम लंगूर इसलिए रखा गया क्योंकि ये टारगेट करना चाहते थे किसी बड़े ब्रांड को, जैसे कि जिसमें मंकी यूज़ किया हो, और ये कहना चाहते हैं कि लंगूर जो होता है ना वो मंकी से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि ये कहना चाहते हैं ये इनकी बियर जो है उस बियर से ये ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंपनी का कहना है कि इसको बनाने के लिए उन्होंने बेस्ट टू रो फ्रेंच बार्ले का यूज़ किया है और इसमें बेस्ट हॉप्स का यूज़ किया गया है और इसको कुछ समय के लिए एज भी करवाया गया है। और इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 5-8%। और इसका लुधियाना पंजाब में प्राइस है 250 रुपीज़। अगर अब कुछ कम हो गया हो क्योंकि सेल चल रही है, लेकिन मैंने इसके लिए पे करे हैं 250 रुपीज़। तो ये तो थी कंपनी की बात, अब बात करते हैं हमारी जाँच पड़ताल की। और इसके इंग्रेडिएंट्स को अब देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, माल्टेड बार्ले, अनमाल्टेड बार्ले, राइस, मेज, शुगर, हॉप्स, ईस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस एंड कंटेन्स परमिटेड नेचुरल आर्टिफिशियल कलर। अगर मैं 250 रुपीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ यानी कि एक प्रीमियम बियर के लिए, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बियर में शुगर का यूज़ किया हो। राइस और मेज को फिर भी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ क्योंकि इसको कार्बोनेशन और क्रिस्पीनेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन शुगर 250 रुपीज़ में ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है मेरी बियर में। और ये मेरा ओपिनियन है, आपको पसंद हो तो बात अलग है। जो मुझे फैक्ट लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाली जो बियर्स हैं ना वो आपको बजट सेगमेंट में भी मिल सकती हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा पे क्यों करूं? और इस प्राइस रेंज में वैसे भी आपको बडवाइजर, मिलर और हैनेकन या फिर इंडियन बियर्स की बात करें, बीरा, सिम्बा या फिर मेडूसा जैसी आपको बियर्स मिल जाती हैं। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मेरी जो उम्मीदें हैं ना इस बियर से अब यहाँ पे कम हो चुकी हैं। लेकिन अब देखते हैं जो इन्होंने जर्मन ब्रू मास्टर को यहाँ पे इसमें जो मेहनत की है या फिर उन्होंने जो इसका फॉर्मूला बनाया है वो क्या रंग लाता है। तो चलिए, जब तक मैं इसे पोर करता हूं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अगर बात करें इस बियर की तो देखने में काफ़ी डार्क कलर की लग रही है और काफ़ी कार्बोनेटेड एंड फीजी भी आपको फील होगी, क्योंकि इसमें एक फ्रॉथ हेड तो बना था अच्छा खासा, लेकिन वो काफ़ी जल्दी गायब हो चुका है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कार्बोनेटेड यानी कि ओवर कार्बोनेटेड ये बियर मुझे लग रही है। तो चलिए अब करते हैं इसे नोज़ और देखते हैं नोज़ पे क्या क्या अरोमास फील होते हैं। बहुत ही स्वीट है नोज़ के ऊपर, एक अल्कोहल का जो भक्का आता है ना स्ट्रॉन्ग बियर्स में से आपको एक अलग सा, वैसे इसमें से अरोमा मुझे नहीं फील हो रहा है। मॉल्ट्स की स्वीटनेस मुझे फील हो रही है
यस यू कैन फील लिटिल बिट हैप्पीनेस और हल्के से आपको राइस का भी इसमें से आपको अरोमा फील होगा। और तो कुछ ज़्यादा मुझे इसमें से फील नहीं हो रहा है, तो चलिए जल्दी से अब इसे करते हैं टेस्ट और देखते हैं टेस्ट में कैसा फील देती है। इतनी स्वीट नहीं है यहाँ पे जब मैं इसको टेस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन नोज पे मुझे काफ़ी स्वीट लग रही थी, लेकिन फर्स्ट सिप में मुझे इसमें इतना स्वीटनेस फील नहीं हो रही है। हल्की सी हॉपीनेस में आपको मिलेगी, लेकिन काफ़ी स्मूथ लग रही है, इतनी क्रिस्पी नहीं है जैसे कि इसमें राइस का यूज़ किया गया है ना, क्रिस्पीनेस इसमें नहीं है। लेकिन इसमें हॉप्स का फ्लेवर तो मुझे आ रहा है, लेकिन एक हॉप्स की जो बढ़िया सी बिटरनेस होती है ना, वो मैं यहाँ पे फील नहीं कर पा रहा हूँ। यस यू कैन फील राइस इन इट, और एंड में आपके मुंह में एक स्वीटनेस तो रह जाती है, लेकिन वो बहुत जल्दी एक बिटरनेस में बदल जाती है, जो कि एक बहुत ही ऑफ पुटिंग फ्लेवर मुझे फील हो रहा है। और अगर इसके साथ आप फूड पेयरिंग की बात करें, तो इसके साथ आप कोई भी स्पाइसी या फिर एक रेगुलर स्नैक को आप चूज़ कर सकते हैं, आपको ठीक लगेगी पीने में। और मुझे भी ये पीने में ठीक ठाक ही लगी, लेकिन इसमें अल्कोहल का जो पंच है ना, वो एक बढ़िया पंच है, आप इसको पी के निराश नहीं होंगे अगर आप स्ट्रॉन्ग बियर समझ के इसे पीते हैं। तो इसको टेस्ट के लिए मैं देना चाहूँगा 8 out of 10, क्योंकि टेस्ट वाइज तो ये ठीक ठाक है, लेकिन इसको वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं देना चाहूँगा 7 out of 10, क्योंकि 250 रुपीज़ में आपको राइस मेज और शुगर का यूज़ किया मिल रहा है, और ऊपर से आपको इसमें आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ किया मिल रहा है, इसलिए मैं इसको 7 out of 10 दे रहा हूँ। तो इसका अर्बन विस्कीज टोटल स्कोर हुआ 7.5 out of 10। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार वो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए, पियो करो मजा, लो नज़ारे, चीयर्स।